ये देखने लायक है ना। हम देख रहे हैं दिनेश भाई यहाँ की खूबसूरती और ये बहुत ही अमेजिंग प्लेस चतरा का सनराइज पॉइंट है, ये बहुत ही जबरदस्त है। लैवे सचिन कुमार लैवे काड़ा सेट हो जा खड़ा इस पर उठा है तो काला सेट कैसा लगा आपको? शानदार, ब्यूटीफुल, जबरदस्त जगह होगी। हरियाणा वाले भाई उरे बहुत कम आवे हैं, ये चीरम सनराइज पॉइंट है, एक रामता नामता है, एक टाइगर फॉल है और हम कल रात को पहुंचे थे चक्राता, देहरादून से 81 किलोमीटर है और लगभग 3 घंटे रास्ता है, ज्यादा मतलब हिडन प्लेस में गिनती है इस चीज की, बहुत कम लोग आवे हुए और पीछे थे एक टूरिस्ट की गाड़ी और है और एक हम, हाँ बहुत ही रेयर हैं। दिनेश भैया बता कैसा लगा भाई? सीधी गाड़ी आज है, बाहर का बंदा उरा कौन सकता है, विदेश का ओनली इंडिया, इंडिया के हैं अप्रूव जो यहाँ आ सकते हैं, बाहर का कोई भी फॉरेनर बंदा नहीं आ सकता क्योंकि पूरा जो एरिया है वो आर्मी के अंडर में है। और ये व्यू देखो आप, जबरदस्त। और चिलमिरी जो स्थान है वो देवदार के जंगलों से घिरा हुआ एक ऊंची चोटी, ये कह लीजिए कि चक्राता की सबसे ऊंची चोटी है और चक्राता से ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है। और इसके आसपास जो बात करें, आप चिलमिरी पॉइंट पहुंचे, सनसेट वहां से अच्छा व्यू है। और एक बात और है कि अगर आप चक्राता पहुंचते हो और उसके बाद अगर आप चिलमिरी पहुंचते हो तो एक वो पिकनिक प्लेस हो सकता है। हाँ, अब जाने का टाइम कब है, अगर आप चक्राता या चिलमिरी पॉइंट देखना चाहते हो जो उत्तराखंड के जो हिडन प्लेस है, बहुत कम लोग वहां पे जाते हैं जिनको बहुत। अभी हम थोड़ा ये ट्रैक है, एक किलोमीटर का नहीं 500 मीटर का ट्रैक है जो कर रहे हैं और काफी डिफिकल्ट नहीं है, नॉर्मल सा ट्रैक है। हां जी अमन भैया, ठीक है भाई? अमन जी ने आज थोड़ा ढीलापन लग रहा है शरीर के अंदर क्योंकि इन्होंने आज दवाई वगैरह का सेवन नहीं किया। हां जी सचिन जी, चाय एक बार भाई, लग रहा है दिक्कत हो रही है। ये अच्छे हैं, इनको अच्छा प्रोटीन शेक वगैरह मिला, बनाएंगे अब हम। हेलो हेलो हेलो, क्या कहना चाहोगे आप? कुछ नहीं, बस कर रहे हैं चढ़ाई। किसकी? चीरा टॉप की। जब बात घूमने की हो और बात हो उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में बहुत से ऐसे स्थान हैं, बहुत से ऐसे हिडन प्लेस हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नरेश ने बताया चक्राता के बारे में भी, चक्राता में हिडन प्लेस। अब बात करते चक्राता के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत, आकर्षक, दर्शकों को लुभाने वाला एक जो स्थान है, एक जो चोटी है जहाँ से दूर दूर हिमालय की श्रृंखला, बंदरपुंज जैसी बर्फीली चोटियाँ देखी जा सकती है, उस स्थान का नाम है चक्राता का चिलमिरी सनराइज या सनसेट पॉइंट। अब बात करते हैं कि जब हम चक्राता पहुँचे हैं तो सनराइज या सनसेट पॉइंट देखने पहुँचते हैं तो वो चक्राता से 4 किलोमीटर की दूरी पर, चक्राता से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ से 500-400 मीटर का एक हाफ किलोमीटर के तकरीबन ट्रेक है सनसेट पॉइंट तक जाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है ना, भाई चक्राता कैसे पहुंचे? पहले चक्राता पहुंचने के लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं, या तो वायु मार्ग से आए, या रेलवे से आए, या सड़क से आए। चक्राता हिल स्टेशन पे हैं अभी और थोड़ा सा 500 मीटर का ट्रैक करते ही एक ऊपर चोटी टाइप है जिसपे आप
रंग बिरंगे झंडे देख सकते हैं, जिन्हें पहाड़ों का एक अलग ही एक्सपीरियंस और एक अलग ही वाइब आती है। बहुत ज़बरदस्त है। हरियाणा से फैमिली भी मिली अपने, वो पास के डिस्ट्रिक्ट के थे, उनसे मिल के बहुत अच्छी बातें की और बहुत ही अच्छा। और यहाँ की अगर व्यू की बात करें, मैं सचिन को एक बार कहना चाहूँगा उस साइड दिखाए, व्यू ज़बरदस्त है। इसको शब्दों में बयां करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि नेचर, और पीछे हमने हिमाचल लगभग आपको कवर करके दिखाया है। अब हम यहाँ से कर रहे हैं स्टार्टिंग दोबारा से, उत्तराखंड से। और प्रदीप सर आपको दो दिन के बाद मिलेंगे, उन्हें कोई ड्यूटी के अंदर ही थोड़ा सा बिजी चल रहे थे वो, क्योंकि ओबीसी बात है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो वो थोड़ा सा टफ होता है एक छुट्टी मिलनी। और अमन है, अमन आजा भाई। नमस्कार सर, क्या कहना चाहोगे? मैं भी था भाई अपने साथ में, कैसा लगा अमन भाई? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप मैंने इसको कल से पेश लिए, बोला हमारा प्लान हरिद्वार से ऋषिकेश जाने का था, चक्राता मैंने रील वगैरह में देखा था कि हिडन प्लेस है और एक आर्मी का ज्यादा है, उस साइड भी दिखाना चाहेंगे हम, ये बातें तो होती रहेंगी। तो यहाँ आर्मी का एक थोड़ा सेंसिटिव इलाका है, इसलिए यहाँ ज्यादा फॉरनर टूरिस्ट को नहीं आने देते। तो फिर हमने डिसाइड किया कि चक्राता को ही विजिट करते हैं। रात को हम लगभग 6-7 बजे पहुंचे यहाँ। थोड़ा सा आपको अगर होटल की बात करूँ, मैं होटल थोड़े से ज़्यादा लग्जरी टाइप में भी हैं, अगर नॉर्मल में चाहो तो आप 1000 रुपये से स्टार्टिंग 6000 रुपये तक जाते हैं मैक्सिमम होटल के प्राइस। और शाम का मौसम तो बहुत ही ज़बरदस्त था, अभी मई के महीने में 12 डिग्री टेम्परेचर था नाइट में, और मॉर्निंग में भी ज़्यादा 27-28 से ऊपर नहीं जाता, नॉर्मल ही है। और अभी भी हम पहाड़ के टॉप पे हैं तो अभी सर्दी वाली फीलिंग है, कि नॉर्मल टी शर्ट डाल ली हुई है, अच्छी मतलब ठंडी हवाएं चल रही है। रात का बताएं आप। रात का जबरदस्त था। दिनेश जी, हाँ जी दिनेश भैया जी, गाचे मोहल्ला गाचे मोहल्ला, ये अपने निक्कर निक्कर में यहाँ हरियाणा के शेर। और सचिन जी थोड़ा फोन के अंदर व्यस्त चल रहे हैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर में टाइगर फॉल पे।